बहुत ही आध्यात्मिक पंक्तियों से मुझे उठाया गया। आखिर वे पहले ही मान चुके हैं कि वे निर्मल बाबा हैं। अरे देखो, और आजकल देश में खतरा बाबाओं से बहुत हो गया है। बहुत उन्मुखता और उत्सुकता से आप सुन रहे हैं। उत्सुकता ज्यादा है इनके अंदर। कवि सम्मेलन अंगार के शब्दों से प्रारंभ हुआ, फिर एक अब श्रृंगार का नंबर है। नहीं, फिर एक क्या, ये बताओ पहले। ये IIT के लिए देखिए, बात आप इशारों में समझेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए क्या है मोहिनी जी, ये लोग हैं स्टूडेंट्स, वो भी टेक्नोलॉजी के, पूरा प्रैक्टिकल करके तभी निष्कर्ष निकालते हैं। और यहाँ तो एक डिपार्टमेंट वो भी है जिसको मटेरियल डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगेगा कि आगे के सारा सोफे ही खाली हो जाएंगे, एक एक करके सभी प्रोफेसर निकल जाएंगे। क्यों खाली हो जाएंगे, उनका तो फोन आया, वो गए, कोई नहीं हिल रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत एक बार मुझे ताली बजाकर मन दीजिए, मैं अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सचमुच इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। चार पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, फिर प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा। ये एक ही आवाज इतनी खतरनाक क्यों आई? सुनिएगा कि किसी बांसुरी ने जहां तान दे दी। वाह क्या बात है, वाह। किसी बांसुरी ने जहां तान दे दी, वही मर मिटे हम वही जान दे दी। किसी बांसुरी ने जहां तान दे दी, वही मर मिटे हम वही जान दे दी, और मुलाकात तुमसे शुक्र है खुदा का। जी ये अंदर से इतनी बुरी आह थी, मैं क्या बताऊं। मैं आपसे प्रेम करना चाह रही हूँ, व्यक्ति को कितना दर्द महसूस हो रहा है। पंक्तियां पूरी करती हूँ, सुनिएगा कि किसी बांसुरी ने जहां तान दे दी, वही मर मिटे हम वही जान दे दी, और मुलाकात तुमसे शुक्र है खुदा का, हमें मौत कितनी आसान दे दी। बहुत सारी बातें कह रहे थे मेरे आने के विषय में, प्रोफेसरों का नंबर है, ये है वो है, बाप का नंबर है। नहीं नहीं, मैंने प्रोफेसर्स इसलिए कहा, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा वैसा नहीं था, ये गलत समझ रहे हैं भाई। इन्होंने दो चीज़ों में PhD किए तो प्रोफेसर्स का हक बनता है, इसलिए मैंने कहा कि मतलब वो एनालाइज करें, वो एनालाइज करें और कुछ नहीं। ये एक्चुअली क्या है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एक कहा गया है, कहावत है, ये हमको पता नहीं क्या था, फिलहाल जो भी था जो भी था ये किसी सर की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब मेरी भावना है आपके प्रति क्या है, चार पंक्तियों में आप सुन लीजिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं
बहाना नहीं बनाते और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं। पता नहीं भाई सुनो सुनो सुनो, अरे मोहन प्यारो रुको सुनो, ये इन्होंने हमको खंडार कहा, मुझ सुनो तो यार तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इन्होंने हमको खंडार कहा और हमको खुद नहीं पता खंडार हम है, लेकिन इनको पता कैसे चला है? है? ये कौन सी बात है? और खंडार का मतलब ये है कि ये हमें कुछ बूढ़ा टाइप का बता रही है, तो मैं भी चार पंक्तियाँ कहता हूँ, मेरी आदत इस तरह से है नहीं, लेकिन है। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बुजुर्गों पर कुछ कहा जाए, क्योंकि हाँ इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स अगले साल रिटायर हो जाएंगे। हाँ तो मैं उन सारे प्रोफेसर्स की तरफ से BHU IT के स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, तुम्हारी तरफ से मैं बदला लेना चाहता हूँ। हाँ कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता है? सर आप लोग भी साथ दीजिए हमारा, ये आपका अपमान हो रहा था। कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। मैं अच्छा अच्छा तुम लोग क्या डोसा डोसा चिल्ला रहे हो क्या? हाँ तो हम चिल्लाएंगे इडली इडली इडली। मैं इतने पे भी मानने वाला नहीं हूँ, अभी मैं दो लाइन और कहूँगा। बदला जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वार करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। बुजुर्गों में भी कौन कहता है बुजुर्गों को इश्क का हक नहीं होता? बहुत अच्छे। कौन कहता है, मैं सुनो यार फिर इसके बाद इनको मौका देना है। कौन कहता है बुजुर्गों को इश्क का हक नहीं होता? अम्मा ये उनका सौभाग्य भी है कि उन पर किसी को शक नहीं होता। बस अब आओ। अस्थाना जी लखनऊ से आते हैं, अब तक तो मैंने सुना था कि लखनऊ में प्रेम ही बांटा जाता, आज पहली बार बदला भी देख रही हूँ।